साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों आज कुछ सऊदी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और ये जानकारी होना हर उस इंसान को ज़रूरी है जो अगर गल्फ में सऊदी जाना चाहता है, क्योंकि सब लोगों को पता भी है, नहीं लोगों को पता है तो मैं बता दूँ कि सऊदी एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से वहाँ का लॉ यानी कानून फॉलो होता है। जी हाँ साथियों, वहाँ पर कानून के पीछे लोग मर जाते हैं कानून को फॉलो करने के चक्कर में। तो इस बात का हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, मैं बता दूंगा, इन चीज़ों का हर तरीके से आप ध्यान रखिए ताकि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है चलिए, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हैं जॉब के लिए, कमाने के लिए, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सऊदी के नियम की बात करते हैं साथियों कि सऊदी का क्या नियम और कानून कहता है। सबसे पहले सऊदी के कानून की बात कर लेते हैं। सऊदी का कानून सबसे स्ट्रिक्टली और हार्डली है, शरिया कानून के आधार पे वहाँ चलते हैं। इंडिया जैसा वहाँ पे कानून नहीं है, तो वहाँ पे कोई गलत काम, कोई भी एक्स वाई जेड गलत काम, चोरी चकारी या फिर मर्डर या फिर और भी बहुत सारे के जो गलत काम होते हैं वो अगर करते हो तो भैया वहाँ पर सीधा का सीधा फांसी होती है। इस बात का ध्यान रखें, छोटी से छोटी गलती पर भी आपको वहाँ पर फांसी दे दी जाती है, यानी मौत की सज़ा। ठीक है साथियों, तो दूसरी बात कर लेते हैं काला धागा। वहाँ पे अगर इंडिया से आप वहाँ पे जाते हैं तो कानूनन ये अलाउ नहीं है कि वहाँ पे आप काला धागा लेके जाएं, टोने टोटके वहाँ पे बिल्कुल नॉट अलाउड हैं। इंडिया का जैसा माहौल वहाँ पे नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, काला धागा न ले जाएं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नशीली वस्तुएँ। नशीली वस्तुएँ में जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, एक सुअर का मांस वगैरह, पान मसाले, ये आप लेके नहीं जा सकते। अगर आप ले जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भैया वापस नहीं आ पाओगे अगर ये चीज़ें आप लेके गए तो। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए इंडिया से जाते समय। जालसाजों से सावधान, वहाँ मले जो सऊदी गवर्नमेंट है वो बोलती है कि जालसाजों से सावधान रहे, यानी गलत काम वहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकते। यानी ठगी करने का काम बोल सकते हो, गलत काम या बहला फुसला के या किसी को जाल में फंसाना वगैरह वगैरह, ऐसे जो काम होते हैं इन चीज़ों से आपको वहाँ पर सावधान रहने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है साथियों, 20,000 से ज़्यादा आप एजेंट को न दें। यानी सऊदी कानून ये बोलता है कि अगर आप मलेशिया आते हो, सॉरी सऊदी आते हो, तो आप 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जो कंपनी बुलाती है वो वीज़ा और टिकट फ्री देती है। ठीक है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, ये पॉइंट है ना, ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। लोग सऊदी के लाख लाख रुपए दे के जाते हैं, लोग लेते हैं। ठीक है, हालांकि कंपनी वीज़ा वहाँ सऊदी की सिस्टम है, 80% 70% कंपनियाँ वीज़ा और टिकट खुद देती है अपने पैसों का। वो जो मैन पावर होते हैं वो भी ले लेते हैं, फिर लड़कों से फिर एजेंट का सिस्टम बड़ा हो जाता है, लाख रुपये लग जाते हैं बंदे का। इस्लामिक किताब के अलावा आप कोई किताब नहीं लेके जा सकते। जी हाँ साथियों, अगर आप किसी भी दूसरे समुदाय दूसरे धर्म से हैं तो यहाँ का या जैसे गीता मान लो, ग्रंथ मान लो, वो वहाँ पे आप नहीं लेके जा सकते। सिर्फ आप इस्लामिक किताब वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर इसके अलावा ले जाओगे तो ये बिल्कुल वहाँ के कानून का उल्लंघन होगा, दोषी पाए जाने पर आपको सज़ा हो सकती है। आपराधिक मामले अगर आप पे चल रहे हैं किसी भी कंट्री के आप बंदे हो और वहाँ पे आप जाते हो, तो बिल्कुल वहाँ की गवर्नमेंट आपको आने के लिए मना करेगी कि आप ना आए। ये चीज़ें साथियों 7 पॉइंट थे, नॉर्मल से पॉइंट हैं, मैंने ये बताए, बाकी और बहुत सारे हैं, वो अलग नेक्स्ट वीडियो में अपन धीरे धीरे बात करेंगे। ये चीज़ें स्टार्टिंग में आप इंडिया से जाते हैं तो शॉर्टली तरीके से ये लागू होती हैं, तो जब भी आप सऊदी जाने की सोचें इन चीज़ों पर अमल करें, ध्यान रखें। अगर ये चीज़ों में आप पाए गए तो भैया बहुत बड़े नुकसान आप उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ चोरी के बदले हाथ तक काट देते हैं। यानी छोटा सा चोरी भी कर लिया ना आपने तो हाथ गया, समझ रहे हो, और बड़ा क्राइम कर लिया तो भैया मौत के घाट। हर फ्राइडे शुक्रवार को वहाँ मौत की सज़ा होती है, लोगों को वहाँ जो सऊदी रहते हैं उनको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि डर होता है ना वहाँ पर, क्राइम बिल्कुल नहीं होता। सऊदी एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर वर्ल्ड में मेरे हिसाब से सबसे कम क्राइम होते हैं, क्योंकि लोगों में भय होता है और भय होता है तो लोग क्राइम नहीं करते। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, फिर भी आपका कोई सऊदी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट करें, आंसर दूंगा। ज़्यादा जानकारी से आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।